बिहार में इन दिनों राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी हुई है और तीन नामों की चर्चा सबसे ज्यादा है। पहला सीएम नीतीश कुमार, दूसरा लल्लन सिंह और तीसरा आरसीपी सिंह। राजनीतिक हलकों में इस बात की खासी चर्चा है कि आरसीपी सिंह की विदाई तय करने में उनकी बीजेपी से नजदीकी एक बड़ी वजह रही। दरअसल मोदी सरकार में जेडीयू का कोटा बढ़वाने के लिए नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह को ही जिम्मेदारी सौंपी थी। वो पार्टी अध्यक्ष भी थे, राज्यसभा सांसद भी बने, लेकिन मोदी सरकार को वो मना नहीं पाए। चूंकि दो मंत्री पद मिलने की सूरत में आरसीपी सिंह और लल्लन सिंह दोनों ही केंद्रीय मंत्री बनते, लेकिन आरसीपी सिंह बीजेपी को झुका नहीं पाए और खुद केंद्रीय मंत्री बनकर बीजेपी से नजदीकी बढ़ाने लगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने 24 साल पुराने सहयोगी केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद आरसीपी सिंह को तीसरी बार राज्यसभा भेजने के लिए तैयार नहीं हुए, उनका टिकट काट दिया और जनता दल यूनाइटेड के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो को उम्मीदवार बना दिया। बिहार के राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है कि आखिर आरसीपी सिंह, जो पिछले तकरीबन ढाई दशक से नीतीश कुमार के सबसे सहयोगी करीबी माने गए और राजदार हुआ करते थे, अब उनकी आंखों में क्यों खटक गए। इसकी बहुत सारी वजह हैं। पहली बात ये कि इनके रिश्तों में टर्निंग पॉइंट आया 2021 में, जब केंद्र में मोदी सरकार ने आरसीपी सिंह को मंत्री बनाया। नीतीश कुमार ये चाहते थे कि जनता दल यूनाइटेड को दो कैबिनेट और दो राज्य मंत्री का पद दिया जाए और बीजेपी से बात करने के लिए उन्होंने आरसीपी सिंह को आगे किया। आरसीपी सिंह ने जब बीजेपी के साथ आगे बात बढ़ाई तो ऐसी सेटिंग की कि वो केवल एक कैबिनेट मंत्री के पद पर मान गए और खुद केंद्र में इस्पात मंत्री बन गए। ये बात नीतीश कुमार को खटक गई और वहीं से इनके रिश्तों में दरार आने की शुरुआत हो गई। दरअसल नीतीश कुमार चाहते थे कि केंद्र में उन्हें कम से कम दो कैबिनेट मंत्री पद दिया जाए, ताकि वो आरसीपी सिंह के साथ साथ मुंगेर के सांसद और उनके एक और करीबी लल्लन सिंह को भी केंद्रीय मंत्री बना सकें। नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह के रिश्ते उस वक्त और ज्यादा खराब हो गए जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान आरसीपी सिंह जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी का गठबंधन कराने में असफल हो गए। ये बात सब जानते हैं कि 2020 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी के जरिए जनता दल यूनाइटेड को बुरी तरीके से डैमेज किया। नीतीश कुमार बीजेपी को लेकर नाराज थे, मगर इसके बावजूद भी वो बीजेपी के साथ गठबंधन को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री बन गए। मगर इस दौरान आरसीपी सिंह लगातार बीजेपी का गुणगान करते रहे, यही बात नीतीश कुमार को रास नहीं आई। आरसीपी सिंह का बीजेपी के साथ जो रिश्ता था, उसकी वजह से बिहार की राजनीति में हमेशा ये कहा जाता था कि वो भले ही जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं, मगर वो आदमी बीजेपी के हैं। पिछले कुछ दिनों से इस बात की चर्चा तेज हुई कि इस बार नीतीश कुमार उन्हें राज्यसभा नहीं भेजेंगे, तो इस बात की भी तेज अटकलें लगाई जा रही थी कि अगर जेडीयू उनका पत्ता काटती है तो बीजेपी उन्हें राज्यसभा भेज देगी। ये तो रही नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह की बात, लेकिन बीच में लल्लन सिंह की एंट्री का क्या मतलब है, तो इसे ये भी समझ लीजिए। बिहार के राजनीतिक गलियों में इन दिनों चर्चा ये भी है कि आईएएस के मास्टरमाइंड पर खांटी नेता का दांव भारी पड़ गया। दरअसल जेडीयू अध्यक्ष केंद्र में मंत्री पद पाने की बात आई तो आरसीपी सिंह ने खुद का नाम आगे कर दिया था। आरोप यहां तक लगे थे कि आरसीपी सिंह ने अपने स्वागत में लगे पोस्टरों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर तक छोटी करवा दी थी, जिसके बाद नीतीश कुमार ने लल्लन सिंह को जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। इसके बाद साफ हो गया कि जेडीयू दो गुटों में बंट चुका है। लल्लन सिंह ने बतौर जेडीयू अध्यक्ष आदेश पारित कर दिया कि पार्टी के किसी भी बैनर पोस्टर में केवल नीतीश कुमार का चेहरा होगा। जेडीयू में कहा जाता है कि आरसीपी सिंह जब से पॉलिटिक्स में आए तब से लल्लन सिंह और नीतीश कुमार की दूरियां बनने लगी थीं। हालांकि 2012 में जाकर दोबारा से लल्लन सिंह और नीतीश कुमार के बीच पैचअप हुआ। फिलहाल लल्लन सिंह जेडीयू के अध्यक्ष हैं, उनको पार्टी के दूसरे मजबूत चेहरे उपेंद्र कुशवाहा का साथ मिला है। ऐसे में मौका मिलते ही लल्लन सिंह ने आरसीपी सिंह का काम लगा दिया। आरसीपी सिंह का टिकट कटने पर लल्लन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा ने एक सुर में कहा कि जेडीयू में नीतीश कुमार के बाद आरसीपी सिंह ऐसे नेता हैं जिन्हें सबसे ज्यादा सम्मान मिला। उन्हें दो बार राज्यसभा भेजा गया, जेडीयू अध्यक्ष बनाया गया, केंद्र में मंत्री भी बनाया गया। अब पार्टी ने फैसला किया है कि खीरू महतो को राज्यसभा भेजा जाए, इसलिए आरसीपी सिंह पार्टी की मजबूती के लिए काम करेंगे। कुल मिलाकर कहें तो आरसीपी का बीजेपी की तरफ बढ़ता झुकाव नीतीश कुमार को खटक गया। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।